नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक जटिल समस्या रहती है अक्सर आप लोगों के सामने कि आप लोगों के कई बार कॉल डिटेल्स मैटर करते हैं आपके केसेस के अंदर, और वो हमेशा ये सॉल्यूशन देने की स्थिति पर रहते हैं कि आप गलत नहीं हैं। पर कॉल डिटेल्स जब निकालने की बात आती है तो अक्सर एक रहस्य में ही पाठ कथा जैसा कुछ लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया के बारे में आप बात कर रहे हैं या फिर किसी और ही दुनिया से आपको ये चीज़ लेकर आनी है, और इसका सोल्यूशन अक्सर लोगों को देखने को नहीं मिलता है। जबकि कानून में इसका पूरा एक तरीका दिया गया है, एक प्रावधान है, एक सीरियस सोल्यूशन है जिसको अक्सर आपके लीगल काउंसलर्स आपको गाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते? केस लंबा चलना चाहिए, वरना झूठा केस लंबा चल कैसे सकता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपके केस को इफेक्टिवली रिजल्ट दे सकती है वो आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो इसी विषय पर रहेगा। इसीलिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग एजुकेटेड रहें। इसके लिए हम अपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक अवेयरनेस के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए चलाते हैं, और इसको हम लोग इसलिए करते हैं आप लोगों के ऊपर अप्लाई, क्योंकि आप लोग अपने केसेस के अंदर ना केवल जल्दी से जल्दी बाहर आएँ, बल्कि आगे जीवन में किसी भी तरह का इस तरह का संकट कभी फेस करने को मिले तो कम से कम ये तो पता रहे कि झूठे केसेस को फेस कैसे किया जा सकता है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, ये काफ़ी हद तक अपने केसेस में मजबूत हैं, कॉन्फिडेंट हैं और स्किलफुल हैं। अपने केसेस को जल्दी ख़त्म कर पा रहे हैं या फिर ख़त्म कर चुके हैं बहुत कम टाइम और पैसा लगाकर। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर आप मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स मिलेंगी और उसके बाद आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कराइए और फिर उसके बाद दिए हुए टाइम पर, मैसेज के थ्रू दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगी मेरी तरफ से और फिर आपसे बात हो पाएगी और आपका कानूनी समस्या का समाधान होगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरतें पूरी होती हैं हमारी जब हम कॉल डिटेल्स के बारे में अपना पहला कदम उठाते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि पहले तो हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है उसके बारे में जो रेगुलेशंस हैं उनको समझ लीजिए। पहला एक ऐसा सिस्टम था कि एक साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड टेलीकॉम कंपनी को रखना ज़रूरी था, उसके बाद का रिकॉर्ड वो वॉश आउट कर सकती थी। पर अभी एक नया सिस्टम जो है डेवलप किया गया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के थ्रू कि 2 साल तक का डेटा उन्हें मेंटेन करना ही पड़ेगा, वो मेंटेन करेंगे और कभी मांगा जाए तो उन्हें उपलब्ध भी कराना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या होता है, आप ज़्यादातर कॉल डिटेल्स को इस तरह से जोड़ते हैं कि CDR यानी कि आपका कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर होते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें आपका लोकेशन भी ट्रेस आउट होता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि क्राइम सीन पर आपकी उपस्थिति बताई जाती है जबकि आप उस जगह थे ही नहीं, चाहे उसी शहर में हो या उस शहर में नहीं हो, पर कम से कम क्राइम सीन पे नहीं थे। तो उस लोकेशन को भी आप अपनी CDR के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, लोकेशन उसके साथ मिलती है, तो ये एक बेनिफिट है। तो 2 साल का डेटा आप ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर किस तरह के केसेस में ये काम आता है, ज़्यादातर ये क्रिमिनल केसेस के अंदर काम आता है, पर अक्सर सिविल केसेस में भी कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है जब आप पे झूठा और घटिया इल्ज़ाम लगाकर केस लड़ा जा रहा हो। तो उस स्थिति में आप आसानी से अपने लिए बेहतरीन रिजल्ट आने के लिए इस तरह के रिकॉर्ड्स को कोर्ट के सामने मंगवा सकते हैं। अब इसको निकलवाएं कैसे, यही सबसे बड़ा मुसीबत का पहलू है। देखिए, अगर कोई क्रिमिनल केस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप बकायदा एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई हमारा जो डिटेल है सामने वाली पार्टी का या हमारा जो भी है, अक्सर आपका ही कॉल डिटेल निकाला जाता है, पर अगर बहुत ज़रूरी हुआ कि सामने वाले का भी कॉल डिटेल जो है वो निकाला जाए तो वो क्रिमिनल केसेस में उपलब्ध कराया जा सकता है। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप कॉल डिटेल फलानी कंपनी से या जिस भी कंपनी का आपका मोबाइल है उससे मंगवा लीजिए और वो मंगवा के वहाँ अटैच किया जाए और उसके अकॉर्डिंग तहकीकात में उपलब्धता कराई जाए साक्ष्यों की और ये प्रमाणित किया जाए कि क्या आप क्राइम सीन पे थे या नहीं थे या कुछ भी और भी कोई जो पहलू आपका जुड़ता हो, उस तरह का डेवलपमेंट उसमें आ सकता है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसा नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में अपनी उस दी हुई एप्लीकेशन को दिखा सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं। अभी कौन से सेक्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपने सिविल या क्रिमिनल केसेस के अंदर इस तरह की डिमांड कोर्ट के सामने रख सकते हैं। पहले हम
क्रिमिनल केस की बात करेंगे, सीआरपीसी का सेक्शन 91 जो है वो आपको अधिकार देता है कि किसी भी तरह का साक्ष्य जो कि इस केस, जो भी केस आप पे चल रहा है क्रिमिनल केस, उसके संबंधित जानकारी उपलब्ध कराया जाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो केस को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा और केस में एक नया पहलू, नया आयाम खोलेगा। तो ऐसी सूरत के अंदर आप कोर्ट में ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि मैंने पहले कोशिश की मगर वो ज़रूरी पहलू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने बाकायदा अवॉइड कर दिया, अब यहाँ पर इस तरह की पेशकश मैं रख रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इस तरह की राहत दिलाई जाए। आपको राहत मिलेगी, वहाँ से डेटा मंगवाया जाएगा कंपनी से, आप जो साक्ष्य उसके थ्रू प्रस्तुत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिविल केसेस में भी इस तरह का प्रावधान है, सिविल केसेस के अंदर आप सीपीसी का आप ऑर्डर नंबर 16, रूल नंबर 7, और इसको आपको रीड करना है सेक्शन 151 के साथ, ये आप अगर अप्लाई करते हैं इसके साथ एप्लीकेशन, तो वहाँ पर भी इस तरह की कॉल डिटेल्स आपको निकलवा कर कोर्ट दे सकता है। और इसमें झिझकने वाली बात नहीं है, अक्सर कोर्ट इस तरह के एप्लीकेशंस को मना नहीं कर सकता, ज़रूरी बात यह है कि वो एक आपके केस के अंदर नया पहलू, नया आयाम खोल रहे हो। कई बार कई लोग सोचते हैं चलिए ट्राई मार लेते हैं, बाद में ऐसा हो कि ना भी निकले, एक अंदाजे में ट्राई मार लेते हैं, तो कोर्ट में रिक्वेस्ट दे देते हैं। देखिए इनको इतनी आसानी से मत लीजिए, इन कानूनों में एक प्रावधान ये भी है कि अगर आप तुक्का मारने के चक्कर में हैं, आप कंफर्म नहीं हैं उस चीज़ को लेके कि ट्राई मार लेते हैं कि मेरी बीवी उस वक्त कहाँ गई थी या फलाना आदमी उस वक्त कहाँ गया था, मैं ऐसे ही पता कर लेता हूँ, तो कोर्ट के इस सेक्शन का मिसयूज़ करने के चक्कर में आपको भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो इसको तभी करें जब आप उतने कन्फर्म हों, ऐसे नहीं कि मैं अंदाजे में जाके सोच लूँ कि मुझे लगता तो है कि ऐसा हुआ होगा पे आपको ये ट्राई नहीं करना है। आपको हमेशा, क्योंकि आपका एफिडेविट लगता है और उसके अंदर ये बकायदा आपको कहना होता है कि मेरी तरफ से मैं जो जानकारी चाह रहा हूँ वो करीब करीब मेरी जानकारी के अनुसार पुख्ता है, जैसे आपकी लोकेशन नहीं थी वहाँ पे, तो फिर आप पुख्ता है। मगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाले की लोकेशन मैं ट्रेस आउट कर लूँ, पता कर लूँ कहाँ गया था उस दिन, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कानून का सदुपयोग ही उसके दुरुपयोग को रोकता है, तो यानी कि आपको दुरुपयोग नहीं करना है, इसका फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो तकलीफें आ जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपने केस में कितना फ़र्क डालने वाले हैं। थैंक यू।